हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने ईमेल आईडी या जीमेल आईडी के पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उत्साहित होकर ईमेल आईडी तो बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं और फिर बहुत परेशानी हो जाती है, ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पासवर्ड ही नहीं याद रहता है। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और सीखिए आसानी से अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को रिकवर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस लाते रहता हूं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आपको बता दूं, अगर आपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों में से कोई एक ना एक चीज़ होना ज़रूरी है, तभी आप अपने ईमेल आईडी का या जीमेल आईडी का पासवर्ड पता कर पाएंगे। सबसे पहला, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस फ़ोन नंबर से आपने ईमेल आईडी क्रिएट किया था। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो दूसरा, आपके पास रिकवरी ईमेल आईडी होना चाहिए, यानी आपने ईमेल आईडी बनाते समय जो रिकवरी ईमेल आईडी दिया था वो। और तीसरा और लास्ट, आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए जिस मोबाइल से आपने ईमेल आईडी को क्रिएट किया था। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ है तो आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को आसानी से पता कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि आप किस तरह अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करना, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में आने के बाद आप सिंपली अपने मोबाइल के अकाउंट सेटिंग को सर्च कर लेना है, यानी ढूंढ लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें यहाँ मिल गया अकाउंट और साइन, अकाउंट एंड साइन SYNC। सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते ही हमें यहाँ पर दिखेगा सबसे लास्ट में ऐड अकाउंट का ऑप्शन। सिंपली हमें इस ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ तीसरे नंबर पर गूगल अकाउंट, गूगल ऑप्शन दिख रहा है। हम सिंपली इस गूगल पर क्लिक करते हैं। गूगल पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकेंड में आपको आपका ईमेल आईडी रिकवर करने का, साइन इन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ उस ईमेल आईडी को फिल करना है जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप पता करना चाहते हैं। तो चलिए हम फिल कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ईमेल आईडी का पासवर्ड फिल कर दिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपना पासवर्ड तो जो आपको याद नहीं है, तो इसके लिए हमें नीचे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा आप अपना लास्ट पासवर्ड जो आपको याद है तो अगर यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर वो पासवर्ड सही रहा तो आप लॉगिन भी हो सकते हैं, बट आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ पर ट्राई अनदर वे पर क्लिक करें। ट्राई अनदर वे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आपके मोबाइल के लास्ट दो डिजिट शो करेंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने इस ईमेल आईडी को किस नंबर से बनाया है। तो यहाँ पे ये मेरा ही फ़ोन नंबर है, बनाए थे तो हम फ़ोन नंबर डाल रहे हैं जिस नंबर से मैंने अकाउंट बनाया था। इसके बाद आपके इस नंबर पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसके लिए हमें सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करते हैं तो आपके इस फ़ोन नंबर पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप फिल कर आसानी से अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड नया क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसे फिल कर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड 8 कैरेक्टर का फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पासवर्ड फिल कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आई एम इन पर क्लिक करना है या स्किप कर देना है। स्किप कीजिएगा तो आप इस मोबाइल में उस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आई एम इन कर दीजिएगा तो आपके इसी मोबाइल में वो ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो हम आई एम इन कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और इस तरह आपने अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।